वेलकम टू एलाज मैजिक पैन। और आज आपको दिखाएंगे हम स्नेहा के घर से तोड़े हुए फूल से बढ़िया वाली चाय की रेसिपी। गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। उस दिन हम चले गए थे नुजुता के घर, जहाँ पे हमें स्वादिष्ट वाली भोजन मिला गणेश चतुर्थी के प्रसाद। और ये रहा हम दोनों के हाथ में चीयर्स स्याही वाली चाय। स्याही वाली चाय इनसे मिली, ये है भैरव। और स्याही वाली चाय, ये देखिए आपको फूल दिखाई दे रहा है, उसी चीज़ का चाय है। मैं दिखाती हूँ आपको कितनी जल्दी ये बना सकते हैं। और ये चाय जो है बहुत कंफर्टिंग, बहुत रिलैक्सिंग, और ख़ासकर नानों के लिए, क्योंकि वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं हमेशा, तो स्ट्रेस फ्री रखने के लिए ये वाली चाय हमने बनाई। बहुत सिंपल इन्ग्रीडियंट्स है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हॉट वाटर है, प्यारी सी ट्रांसपेरेंट कप्स है, एक चम्मच मैंने हनी मिलाया जिसमें, वो डार्क कलर की हो गई है, यानी कि सुलेखा इंक जो आता था आपके बचपन में, और एक है चेलपार्क इंक की ब्लू। तो दोनों कलर्स सिर्फ बिकॉज आई हैव एडेड सम हनी टू इट। तो ये देखिए, इसमें गर्म पानी पोर करना था, इसको मैंने टी कप में सोक किया, फिर उसको पोर कर दिया। और ये रहा चाय तैयार आप सबके लिए। आपको कौन सा कलर पसंद है, सुलेखा वाला या चेलपार्क वाला? चीयर्स टू ऑल ऑफ यू, एंड डोंट फॉरगेट टू हैव दिस चाय फॉर श्योर। ये देखिए अपराजिता फूल है, ऑफकोर्स अबंडेंस में मिल जाती है नेचर में, और इसको तोड़ के लाना है, गर्म पानी में सोक करना है। अगर आपको हनी चाहिए तो वो ऐड कीजिए और पी जाइए। ब्यूटिफुल कलर, वेरी कम्फर्टिंग, वेरी रिलैक्सिंग। ज़रूर ट्राई करना स्याही वाली चाय। मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय फॉर टुडे।